हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर एडक्वाक यूट्यूब चैनल। आई एम बैक अगेन विद न्यू लेक्चर। दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 5। सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर। वी आर फॉलोइंग द बुक टुगेदर विद एसेंस, ओके। एंड द पब्लिशर ऑफ द बुक इज रचना सागर। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिड पोएम द लास्ट स्नो। Now we are going to do lecture number 2 for the same poem, okay? पिछले lecture में हमने poem पढ़ी थी, poem में हमने word meanings किए थे, poem explain की थी। अब हम क्या करेंगे? We will do next exercises of the poem। हम poem की आगे की exercises को करेंगे। Okay children, this is exercise C. Answer the following questions. Why do the snowflakes fall softly? Okay, snowflakes धीरे धीरे क्यों गिरते हैं? The snowflakes fall softly because the air is still. Snowflakes धीरे धीरे गिरते हैं क्यों? क्योंकि air is still, क्योंकि हवा रुकी हुई है। What do you mean by living right there in the heart of a dell? आप इस लाइन से क्या समझते हो? ठीक है, क्या, कौन सी लाइन से? लिविंग राइट देयर इन द हार्ट ऑफ अ डेल। इट मीन्स दैट द स्नो हैज कवर्ड द होल वैली। ओके, इसका मतलब है कि स्नो ने, बर्फ ने पूरी घाटी को ढक लिया है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द रोब ऑफ ग्लिसनिंग वाइट? ओके, The robe of glistening white से poet का क्या मतलब है? It means hidden under the snow. Robe of glistening white से poet का मतलब है कि सारी चीजों ने बर्फ के कपड़े पहने हुए हैं, सारी चीजें बर्फ के नीचे ढक चुकी हैं। Quote the lines from the poem that tell us about the coming of spring. उन लाइनों के बारे में बताओ जो कि हमें स्प्रिंग सीजन के आने के बारे में बताती हैं। जिन लाइनों से हमें ये पता चलता है कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है, ठीक है, कौन सी लाइन है? विंटर वुड डाई, हिज वर्क वुड डन, एंड स्प्रिंग वुड राइज इन ऑल ऑफ हर ग्लोरी। ठीक है, विंटर वुड डाई, हिज वर्क वुड डन, कि विंटर वुड डाई मीन्स विंटर विल गो, विंटर चली जाएगी। His work was done, उसका सीजन भी चला जाएगा, विंटर सीजन एंड हो जाएगा। एंड स्प्रिंग वुड राइज इन ऑल ऑफ हर ग्लोरी, और स्प्रिंग सीजन अपनी पूरी शान से आएगा। ओके, ये लाइनें हमें बताती हैं कि स्प्रिंग सीजन आएगा। वट इज द अंडरलाइन आइडिया ऑफ द पोयम? पोयम का अंडरलाइंग आइडिया क्या है? द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोयम इज चेंजिंग ऑफ सीजन। ठीक है, पोयम का अंडरलाइन आइडिया ये है कि सीजन चेंज हो रहा है, कि विंटर जाती है फिर स्प्रिंग सीजन आता है। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज डी। रीड द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दी हुई लाइनों को पढ़ो और क्वेश्चंस के आंसर दो। ओके चिल्ड्रन, विंटर वुड डाई, हिज वर्क वुड वेल डन, विंटर चली जाएगी और उसका काम हो जाएगा। What do you understand by the words winter would die? आप इन वर्ड से winter would die, कि winter मर जाएगी, क्या समझते हो? ठीक है, अगर आप इनका मीनिंग निकालो कि winter मर जाएगी, इससे आप क्या समझते हो? We understand by this line that winter season would end. हम इस लाइन से समझते हैं कि winter season चला जाएगा। ओके, हम इस लाइन से समझते हैं कि winter season चला जाएगा या चला गया, और अब कौन सा सीजन आ रहा है? स्प्रिंग सीजन आ रहा है। व्हाट वाज विंटर्स वर्क? विंटर का वर्क क्या था? विंटर्स वर्क वाज टू कवर द वैली विद स्नो। विंटर का काम था पूरी वैली को स्नो से कवर कर लेना। ओके, बीनीथ द रोब ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट। ओके, पहले वो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। बीनीथ द रोब ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट मीन्स सफेद चमकीले कपड़ों के नीचे। ओके, व्हाट डज द रोब ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट मीन?
ठीक है, दी रोब ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट से मतलब क्या है, पोइट का मतलब क्या है ये कहने से, द रोब ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट, इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो एंड ऑल द ट्रीज एंड वैलीज आर वियरिंग अ व्हाइट रोब, ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब है दैट एवरीथिंग कि सब कुछ इज कवर्ड विद स्नो, कि सब कुछ स्नो से बर्फ से ढका हुआ है, एंड ऑल द ट्रीज और सभी ट्रीज मीन्स पेड़ों ने एंड वैलीज घाटियों ने आर वियरिंग अ व्हाइट रोब, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, पोशाक, ठीक है, रोब मीन्स पोशाक. Which figure of speech is used here? Robe of glistening white, यानी कि सफेद रंग की पोशाक पहनी है, इससे आपका कौन सा figure of speech है? Children, it is a metaphor, ठीक है, आपको मैंने नहीं कराया और ये हमारी क्लास का टॉपिक नहीं है. This topic we do in when we go to senior classes, ठीक है, जब आप senior classes में जाओगे, 8th, 9th में जाओगे, तब आप इसे करोगे. Okay, it is not our क्लास टॉपिक, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. मेटाफोर इज कि जब हम किसी चीज को, किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की उपमा देते हैं, उपाधि देते हैं, जैसे कि बर्फ के कपड़े, ठीक है, बर्फ तो नॉन लिविंग थिंग है, ओके, हमने उसको किसकी उपाधि दे दी, कपड़ों की वैलियों ने, वैलीज ने, ट्रीज ने, प्लांट्स ने, सबने किसके कपड़े पहने हुए थे, बर्फ के कपड़े पहने हुए थे. बट इज इट पॉसिबल टू वियर क्लोथ्स ऑफ स्नो, नो, ठीक है, सो हमने क्या किया था, स्नो को कपड़ों की उपाधि, उपमा दी हुई थी, ओके, दैट इज कॉल्ड अ मेटाफोर. फ्रॉम द ग्रेव ऑफ ओल्ड मैन व्हाइट एंड हॉरी, ओके, फ्रॉम द ग्रेव ऑफ ओल्ड मैन व्हाइट एंड हॉरी, व्हाई हैज बीन विंटर कंपेयर टू द ओल्ड मैन, विंटर को ओल्ड मैन से क्यों कंपेयर किया गया है, द विंटर हैज बीन कंपेयर टू द ओल्ड मैन बिकॉज एज एन ओल्ड मैन वॉक स्लोली, सेम इन विंटर द स्नो ऑल्सो फेल स्लोली, ओके, या स्नो फॉल्स स्लोली. The winter has been compared, winter को compare किया गया है to the old man से, because क्योंकि as an old man walks slowly, जैसे कि एक old man, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता है, same in winter, बिल्कुल वैसे ही सर्दियों में the snow also fell slowly, बर्फ भी कैसे गिरती है, बहुत धीरे धीरे गिरती है, ओके, और इतनी धीरे गिरती है कि उसके गिरने का किसी को भी पता नहीं चलता. द वर्ड ग्रेव हैज टू मीनिंग्स, व्हाट मीनिंग डज द वर्ड कन्वे हियर, व्हाट इज द अदर मीनिंग, ओके, ग्रेव के दो मीनिंग होते हैं, इस पोयम में कौन सा मीनिंग लिया गया है और दूसरा मीनिंग क्या है, ठीक है चिल्ड्रन. मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेव इज सीरियस हियर, यहाँ पे ग्रेव का मीनिंग क्या है, सीरियस, गंभीर, ठीक है. विंटर कैसी थी होती है, विंटर डेज आर व्हेन वी स्पीक अबाउट इवनिंग, इट इज डल, इट इज ग्लूमी, कि लोग जल्दी शाम को अपने घरों को चले जाते हैं, बाहर कोई नजर नहीं आता, चारों तरफ ठंड होती है, मिस्ट होती है, फोग होती है, धुंध होती है, ठीक है, सो विंटर डेज आर ग्लूमी, सीरियस, डल होते हैं, ठीक है. द अनदर मीनिंग ऑफ ग्रेव इज, और ग्रेव का दूसरा मीनिंग क्या है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरिड, वो प्लेस जहां पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, मीन्स कब्र, ओके, दैट इज कब्र. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज वर्ड स्मार्ट, ठीक है, हम हर चैप्टर में ही इसे करते हैं. इसमें क्या दिया गया है चिल्ड्रन, वर्ड्स रिलेटेड टू डिफरेंट सीजन्स आर गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं जो डिफरेंट सीजन से रिलेट करते हैं, राइट देम इन कॉलम्स एज गिवन बिलो, आप उन्हें नीचे दिए हुए कॉलम्स में लिखिए. कौन कौन से वर्ड्स हैं, बेलमी, ब्रीज, सनशाइन, था, बबली, हार्थ, ब्राइट, फ्रोस्ट, ब्लॉसम, निपी, मिस्ट, स्लशी, स्नोमैन, हाइबरनेट, हेजी, रीबर्थ,
sweltering, ice cream, heat, berries, boating, drought, pelting, storm, pitter-patter, downpour, vacation, shorts. ठीक है, दोबारा मैं पढ़ देती हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगी सो दैट आपको इन वर्ड्स की प्रोनंसिएशन समझ में आ जाए. ठीक है चिल्ड्रन. फर्स्ट, इट इज बेल्मी ब्रीज. बेल्मी ब्रीज मीन्स गर्म हवा. सनशाइन, ओके, धूप. था, बबली. हार्थ, ब्राइट. फ्रोस्ट, ब्लोसम. निपी, मिस्ट. स्लशी, स्नो मैन. हाइबरनेट, हाइबरनेट मीन्स शीत निंद्रा, गहरी नींद में होना. हेजी. रीबर्थ मीन्स पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेना. स्वेल्डरिंग, आइसक्रीम, ये सबको पता है. हीट, गर्मी. बेरीज, ओके, बेरीज आपको पता है ना, लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज. बोटिंग मतलब नाव चलाना. ठीक है, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना. पेल्टिंग, स्टॉर्म मीन्स तूफान. पिटर पैटर, पिटर पैटर इज साउंड ऑफ रेन, ओके, बोलते हैं ना पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, सो इट इज साउंड ऑफ रेन. डाउनपोर, वेकेशन मीन्स छुट्टियां. एंड शॉर्ट्स, इट इज काइंड ऑफ अ ड्रेस विच इज वॉर्न बाय पीपल. ठीक है, शॉर्ट्स जो हम पहनते हैं. ओके ओके चिल्ड्रन, फॉर योर ईज आई हैव रिटन द आंसर्स. मैंने आपकी आसानी के लिए सारे आंसर्स लिख दिए. मैं आपको बता देती हूँ. समर, मैंने लिखा है सनशाइन. ठीक है, सनशाइन, क्योंकि सनशाइन सूरज की बहुत तेज गर्मी कब होती है, समर सीजन में होती है. ओके, आइसक्रीम, वी यूजली ईट आइसक्रीम इन समर सीजन. हम आइसक्रीम्स को कब एंजॉय करते हैं, समर सीजन में. हीट, बहुत गर्मी कब होती है, समर सीजन में. ड्रॉट, सूखा कब पड़ता है, कुछ एरियाज में जब बारिश नहीं होती, गर्मियों के दिनों में सूखा पड़ता है. स्टॉर्म, तूफान कब आते हैं. देखो बेटे, वैसे तो तूफान विंटर में भी आ सकता है, स्नो स्टॉर्म, बर्फ का तूफान आ जाता है. ठीक है, रेन के साथ भी तूफान आता है, बट यूजुअली जो लू की आंधी चलती है, ठीक है, तूफान आता है, वो यूजुअली कब आता है, समर सीजन में. ओके, सो आई हैव रिटन इट इन समर. वेकेशन, छुट्टियां, वैसे तो सर्दी में भी छुट्टियां होती हैं, बट यूजुअली वी गेट लॉन्ग ब्रेक इन समर, सो आई हैव पुट दिस इन समर सीजन. था, इट इज अगेन हीट. हार्थ, ओके, इसका भी मीनिंग होता है बहुत गर्मी. ब्राइट, चमकीला. वेन द डेज आर ब्राइट, सनी डेज, शाइनी डेज कब होते हैं, बहुत धूप वाले दिन, समर में. स्वेल्डरिंग, पसीना आना. बोटिंग, चिल्ड्रन अब अगर आप खुद की बोटिंग के बारे में लगाओ तो यू कैन डू इट इन विंटर ऑल्सो, यू कैन डू इट इन रेनी सीजन ऑल्सो, कि बच्चे बोट बनाते हैं और नाव को पानी में चलाते हैं. ठीक है, सो बोटिंग आई हैव पुट हियर एंड आई हैव पुट दिस इन रेन ऑल्सो. ओके, क्योंकि ये बोटिंग तो वो भी हो सकता है कि हम नाव में बैठकर घूम रहे हैं, और बोटिंग वो भी हो सकती है जो बच्चे पानी में बोटिंग करते हैं. ओके, कागज की नाव तैराना. शॉर्ट्स, वी वियर इट इन समर सीजन. हाइबरनेशन, ओके, शीत निंद्रा में चले जाना. ओके, द डेज आर लेजी इन हाइबरनेशन, सॉरी, इन समर सीजन, सो आई हैव पुट दिस इन समर. विंटर सीजन, विंटर सीजन इज बबली, हमें बहुत अच्छा अच्छा कब लगता है, विंटर में. ठीक है, वैसे तो स्प्रिंग में भी आ सकता है. एंड चिल्ड्रन, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा सीजन अच्छा लगता है, कौन से सीजन में आप खुश होते हो. ओके, बट आई हैव पुट इट इन विंटर, यू कैन पुट दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. फ्रोस्ट, धुंध. निपी, ठीक है, पाला पड़ना, बहुत ज्यादा ठंड होना. मिस्ट, अगेन इट इज फोग या धुंध होना. स्नोमैन, बर्फ से आप मैन कब बनाते हो, स्नोमैन कब बनाते हैं हम लोग, यूजुअली विंटर सीजन में. हेजी,
हेजी मीन्स जब बहुत ही धुंध हो, सब कुछ कुछ क्लियर ना दिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड हेजी. रेन बेलमी ब्रीज. ओके. स्लशी बोटिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि बोटिंग को हम समर में भी कर सकते हैं और बच्चे पेपर की बोट्स बनाकर उसकी बोटिंग को रेनी सीजन में भी कर सकते हैं. पिटर पैटर, इट इज साउंड ऑफ रेन. ओके. पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स. डाउनफोर डाउनपोर, इट इज वन अनदर नेम फॉर रेन. अ हैवी डाउनपोर वॉज देयर, मीन्स बहुत तेज बारिश थी. ठीक है. सो रेन हमें क्लियर हो गया. नाउ स्प्रिंग सीजन, आई हैव पुट ब्लॉसम्स. ठीक है. ब्लॉसम मतलब कि फूलों का खिलना. ओके. दैट इज कॉल्ड ब्लॉसम. द फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग. ओके. रीबर्थ, किसी भी चीज का पुनर्जन्म होना. तो जब पेड़ पौधे, हमारे कुछ पेड़ पौधे जब बारिश से बहुत ज्यादा ठंड से जब पौधे मर जाते हैं, तो उनका रीबर्थ कब होता है? पौधे दोबारा अच्छे से विद ग्रीन लीव्स कब होने लगते हैं? इन स्प्रिंग सीजन. बेरीज. ओके. बेरीज कब आती हैं? लाइक ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज. वैसे तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, अलग अलग एरियाज में बेरीज अलग अलग सीजन में आती हैं. ओके. सो आई हैव रिटन दिस इन स्प्रिंग सीजन. ठीक है. अब आप लोग अपनी बुक में इस एक्सरसाइज को ऐसे फिल कर लो एंड यू कैन पुट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑल्सो. लाइक शॉर्ट्स, इट इज नॉट कम्पल्सरी कि समर में पहनना है, लोग रेनी सीजन में भी पहन सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके चिल्ड्रन. सो यू कैन चेंज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू. ओके. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम टू असाइन यू सम होमवर्क. दिस होमवर्क इज एक्सरसाइज बी, कम्प्लीट द समरी ऑफ द पोएम. आपको पोएम की समरी कम्प्लीट करनी है. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स. इन फिलअप्स में फिल करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड यू विल इजिली गेट द आंसर्स. द पोएम डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ. ठीक है. पोएम डिस्क्राइब कर रही है चेंज ऑफ किस चीज के लिए, क्या चेंज हो रहा है? इन नेचर. ओके. चेंज ऑफ डैश इन नेचर. ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में, डैश फॉल ओवर द टाइनी प्लांट्स. टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटे. ठीक है. बहुत छोटे छोटे पौधों के ऊपर क्या गिरता है? डैश गिरती है. विच हैव नाउ स्टार्टेड गेटिंग. ओके. और जो गिर रही है वो अब क्या हो गई है? ओके. यहां फिल करना है. द स्नो हैज स्टार्टेड टू. अब स्नो क्या स्टार्ट हो गई है? स्नो का क्या होने लगा है? इट इज द डैश ऑफ विंटर. ये विंटर का डैश है. ओके. ऑफ विंटर सीजन एंड बिगनिंग ऑफ डैश सीजन. विंटर सीजन का डैश है और बिगनिंग ऑफ डैश सीजन. और विंटर के बाद कौन सा सीजन आएगा वो यहां आपको लिखना है. आफ्टर डलनेस ऑफ डैश इट इज डैश अगेन. ठीक है. डैश की डलनेस के बाद इट इज डैश अगेन. अब क्या है? दोबारा से डैश है. ओके चिल्ड्रन. नेक्स्ट. एज यू ऑल नो, आफ्टर एवरी लेक्चर आई टेल यू होमवर्क सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर. सो दिस इज योर होमवर्क सोल्यूशन. ओके. दिस इज योर होमवर्क सोल्यूशन ऑफ लेक्चर वन पोइम. सेम पोइम, द लास्ट स्नो. ए पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके. नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. ओके. आई हैव चेंज द कलर. मैंने कलर को चेंज कर दिया, आप इसको टिक कर लेना. ओके चिल्ड्रन. व्हाट डज द रोब ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट मीन. रोब ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट का मतलब क्या है? सन रेज, स्नो या व्हाइट फ्लावर्स. ओके. रोब ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट मतलब चमकीले सफेद कपड़ों से हमारा मतलब क्या है? स्नो, बर्फ. आपको याद है ना कि बर्फ ने पूरी घाटी को कपड़ों की तरह ढक लिया था, कि जैसे पूरी घाटी ने, पूरी वैली ने बर्फ के कपड़े पहने हों. ठीक है. नाउ सेकंड,
When do the crocuses bloom? Crocuses का जो फ्लावर होता है, पौधा होता है, वो कब ब्लूम करता है, कब खिलता है? इट ब्लूम एट नाइट. ओके, इट ब्लूम्स एट नाइट, रात के समय ब्लूम करता है. हु इज द वाइट एंड ओल्ड हॉरी मैन? वाइट और ओल्ड हॉरी मैन किसके लिए यूज किया गया है? विंटर के लिए, रेन के लिए, समर के लिए. इट इज यूज फॉर विंटर, विंटर के लिए यूज किया गया है. ओके चिल्ड्रन, सर्दी के मौसम के लिए, ठीक है. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब आवर एटक्वाक यूट्यूब चैनल एंड टू शेयर आवर वीडियोस, लाइक आवर वीडियोस. ओके, एंड टेल योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे.